फिर उसका होगा था। रहे हैं दिल्ली से उतरे हैं, अभी तुरंत जस उतरे हैं, वहाँ पर हम लोग नाश्ता किए हैं। तीन चार टोटो वाला आया, बोला कहाँ जाना है, कहाँ हम लोग कहीं नहीं जाना है। फिर अपना लड़का को बोले कि चलो बस स्टैंड है, इतना दूर के लिए 50 रुपया क्यों देंगे, हम लोग पैदल ही चले जाएंगे। वो आया बीच में घुसा दिया, मेरा लड़का बोला कि भैया साइड कर लीजिए, बोला साइड नहीं करेंगे, कहाँ जाना है चलो बैठो इसमें। हम लोग बोले हम लोग को नहीं बैठना है, बोला नहीं बैठना पड़ेगा, चलिए हम पहुँचा देंगे, हम लोग नहीं बैठना है। उसके बाद इसके साथ वहाँ से लड़ने लगा दोनों, इसको हम डांटे। फिर बोल रहा है कि तमीज से बात करो, तुम क्यों ऐसा बात किया हमसे। फिर इसके साथ फिर ये लड़की मेरी बोलने लगी, अब इसके हम लोग थोड़ा सा बढ़ गए तो इसको बोला कि लेडीज़ों के सामने आती हो तो चार चप्पल लगा देंगे नीचे। फिर उसके बाद जब हम लोग सुने तब फिर हम लोग वापस गए, कैसे दो चार चप्पल लगा देगा खींच के। और तो हम यहाँ दुर्गापुर के हैं, किस तरह से देख रहे हैं तो ऑटो वाला इस तरह का खुलेआम रोड में धमकी देना मारना, अब तो वही लोग जानेगा पता नहीं पुलिस को। आज हम लोग अपने ऑनरेबल मेयर साहब के पास में आए थे, हमारी राज्य की सरकार की माननीय मुख्यमंत्री ने शहीद दिवस पालन करने के लिए 21 जुलाई को जो पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को उन्होंने आग्रह किया था और अपने तरफ से एक निवेदन किया था, आज हम अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारे पूरे पश्चिम बंगाल की माइनॉरिटी कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं सिख, सारी सिख कम्युनिटी को हमने अपील की कि हमारे माननीय ने जो हमें और पूरे पश्चिम बंगाल के नागरिकों को जो धर्मतल्ला में शहीद दिवस पालन करने के लिए बुलाया है उसमें हमारी पूरी सिख कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट करे और उस शहीद दिवस को पालन करने के लिए हम अपनी पूरी जो भूमिका है उसे निभाएं और हमारे माननीय का हम पूरा समर्थन करें और उनका जो शहीद दिवस है उसे भरपूर पालन करें और उनका कामयाब बनाए। एक डेपुटेशन, मैं सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर का मैं महासचिव। आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो आम जनता है उनके जनरल इश्यूज़ को लेकर आज हम लोग आए थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। आपने देखा मेयर से ही मुलाकात हुई और मेनली जो हमारा मुद्दा था कि अब तक बोर्ड क्यों नहीं बनाया, आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया, वजह क्या है इसका, किस नेता को खुश करने का लिए, किस छोटा नेता बड़ा नेता मझला नेता उसको खुश करने के लिए, कौन सा दादा दीदी भैया को खुश करने के लिए बोर्ड नहीं बनाया जा रहा, इसी को लेकर आज हम लोग आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आए थे और मेयर साहब से मुलाकात किया। उन्होंने भी बोला है कि RCH हॉस्पिटल का मुद्दा हो और 25 नंबर वार्ड में 26 नंबर वार्ड में इवन रेल पार के पूरे इलाकों में पानी का मुद्दा और जो भी मुद्दा हो उस पर वो चर्चा करेंगे जो हम लोगों ने उनको बताया। लेकिन अब तक हमारा सवाल पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सवाल यही है कि अब तक आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बोर्ड क्यों नहीं बना, किस नेता को खुश करने के लिए बोर्ड नहीं बनाया जा रहा है। मेयर साहब ने यही कहा कि बोर्ड जल्द से जल्द बन जाएगा, एक कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने के बाद बोर्ड बनने में बहुत टाइम होता है। ये तो पहला बार देख रहा हूँ कि इलेक्शन का 6 महीना के बाद अभी तक बोर्ड नहीं बना है। इससे पहले भी मेयर थे, उससे पहले भी कई मेयर थे, उससे पहले बाम की सरकार थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या होना चाहिए। इसीलिए आज मेयर साहब से पूछने आए थे बोर्ड कब बनेगा, तो उन्होंने बोला जल्द से जल्द बन जाएगा। दानिश अजीज, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रेसिडेंट। ये सफाई में कौन कौन है भाई, थोड़ा अपना अपना नाम बोल। अरे या ते तो सबका नाम जानता हूँ, मालूम है। इकतीस
लाइन चला, गाड़ी को इधर से जाना चाहिए था करते हुए एक लाइन से, लेकिन डायरेक्ट इधर से 24 नंबर वार्ड में चला गया, 25 नंबर वार्ड में चला गया, लेकिन 27 और 28 में नहीं आया। ये कौन सा भेदभाव का रवैया है? किस तरह का पक्षपात किया जा रहा? क्या यहाँ के आदमी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, ये उनका अपराध है जिसके चलते उनको डूबने के लिए मरने के लिए छोड़ दिया गया? हर साल एक दो नौजवान इस इलाका का पानी में बह के मर जाता है बाढ़ के समय, हम लोग का मवेशी बह जाता है यहाँ पे, हर साल ही घटना देखने को मिलता है। लेकिन बहुत दुख है कि नगर निगम इस सब जानते हुए भी, वहाँ बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं ये सब जानते हुए भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिए, लोगों को यहाँ पे इस तरह से बाढ़ का पानी में मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये बहुत ही दुख का बात है। और हम लोग इस सब को देखते हुए, हम लोग अपना जो यहाँ का नागरिक है उसको इस तरह डूबते हुए नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम लोग का जो भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन पार्टी की नेता हैं चैताली तिवारी जी, उनके निर्देश पे सबको मिल के हम लोग खुद से सफाई अभियान करने के लिए उतर गए और इसको पूरा करेंगे। कितना फंड पास हुआ है? 50 लाख रुपया बोर्ड मीटिंग में पास हुआ। हाँ। ठीक है, और क्या सफाई हुआ आप देख सकते हैं पूरा इलाका। तो देखिए इधर एक बार देख लीजिए, एक बार कैमरा उधर भी घुमा लीजिए, यहाँ से आप एकदम चल जाइए गंदा ब्रिज तक, गंदा पुल तक, मंगल पांडे सेतु तक, आप देखिए वहाँ का क्या स्थिति है। बसुआ का फोन आ रहा है, हो गया। वीडियो चाहिए।